नमस्कार साथियों, मैं विकास माय नेक्स्ट जॉब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 5 अगस्त 2019 को MTS में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, फेमिना मिस इंडिया 2019 कौन है? चार ऑप्शन इस प्रकार है, सुमन राव, श्रेया शंकर, मानुषी छिल्लर, अनुकृति वास। फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव है, अनुकीर्ति वास 2018 के विजेता हैं, फेमिना मिस इंडिया 2018 के विजेता हैं, मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 के विजेता हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल का किताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर यह किताब जीता। यह प्रतियोगिता 14 से 27 जनवरी 2019 तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का किताब नाओमी ओसाका ने पेत्रा क्यूतोसा को हराकर जीता। नवामी ओसाका जापान की रहने वाली है तथा पेत्रा क्यूतोसा फिनलैंड की रहने वाली है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की तटरेखा 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट से सटा हुआ है, जो देश की कुल मुख्य भूमि का 23% है। अगला प्रश्न, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जुजाना कैपिटोवा। ये सब प्रश्न हम सेट में दे दिए थे, जुजावा कैपिटोवा को 58% वोट प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? चार ऑप्शन इस प्रकार है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, मसूलीपट्टम, सेवरी फोर्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1638 से 1644 ईस्वी में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था सबसे पहले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की दिशा में बहने वाली नहीं है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इस प्रकार है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती तथा माही। नर्मदा दो जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात, दोनों MP में स्थित है। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता है डायोप्टर। अगला प्रश्न, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट स्थित है सूरत में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है तथा 80 लोकसभा सीट है, सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? फरा, भूमि शामिल है, श्रम शामिल है, पूंजी भी शामिल है, सिर्फ फरा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष का अंतिम निर्णय होगा, यह सही नहीं है। मार्स ऑप्टिकल मिशन का लॉन्च वाहन था PSLV C-45 के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया है 1 अप्रैल 2019 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कोस्मोग्राफ का आविष्कार से है? जगदीश चंद्र बोस को रेडियो विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस जगदीश चंद्र बोस का छात्र हैं, इन्हें भी भौतिक शास्त्री कहा जाता है। होमी जे भाभा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।
और शेयर करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? स्मॉग, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत। द वर्ल्ड फतवाज के लेखक है अरुण शौरी। जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज के लेखक है तथा प्रथम प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यवर्धा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, लोक संगीत मान किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। मध्य प्रदेश में कर्ना नृत्य राय नृत्य होता है। मणिपुर में रूबा थाबी माई नृत्य नूपा नृत्य होता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी नृत्य होता है। अगला प्रश्न, आर प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अगला प्रश्न, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मोहिनीअट्टम उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, गरबा गुजरात से संबंधित है। सिर्फ मोहिनीअट्टम उड़ीसा से संबंधित नहीं है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार। पहला बार 26 अक्टूबर 1962 को, दूसरा बार 3 दिसंबर 1971 को, तीसरा बार 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सरकार में घोषित किया गया था। 21 महीने चला है, 25 जून 1975 को जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो 21 महीने चला था। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके पास एमटीएस का प्रश्न हो तो हमें जरूर भेजें स्क्रीनशॉट करके, जीके वाला पार्ट।